अब खबरें विस्तार से। 14 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र मास मेलों के लिए उत्तरी भारत के विश्व विख्यात सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसिद्ध में सुरक्षा व्यवस्था को चकाचौबंद किया गया है। सुरक्षा में किसी भी तरह की किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो, इसके लिए खाका तैयार किया गया है, जिसके चलते 5 सेक्टरों में मंदिर परिसर को बांटा गया है और इसी घेरे में श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकेंगे। साथ ही 1 महीने तक चलने वाले मेलों के दौरान सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी रखी जाएगी। 14 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र मास मेलों के लिए उत्तरी भारत के विश्व विख्यात सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसिद्ध में सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। सुरक्षा में किसी भी तरह के किसी भी स्तर पर कोई चूक न हो, इसके लिए खाका तैयार किया गया है, जिसके चलते 5 सेक्टरों में मंदिर परिसर को बांटा गया है और इसी घेरे में श्रद्धालु बाबा के दरबार में माथा टेकेंगे। साथ ही 1 महीने तक चलने वाले मेलों के दौरान सीसीटीवी कैमरों में भी निगरानी रखी जाएगी। हमीरपुर एसपी अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि बाबा बालकनाथ मेलों के लिए सुरक्षा प्लान तैयार है और मेलों के दौरान अप्रिय घटना न हो, इसके लिए तैयारी की जा चुकी है। मार्च से ऑफिशियली बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसिद्ध में चैत्र के मेले स्टार्ट हो रहे हैं। ये मेले ऑफिशियली तो 1 महीने के लिए चलते हैं, बट अदरवाइज यहाँ पे श्रद्धालुओं का आना जाना कम से कम 2 या 3 महीने तक लगा रहता है, क्योंकि इस दौरान काफ़ी लोग आते हैं, खासकर हिमाचल के बाहर से, तो इसलिए सिक्योरिटी का एक बहुत अहम रोल है इसमें। इससे पहले कोई एक स्पेसिफिक सिक्योरिटी प्लान जो है हमारा तैयार नहीं हुआ है और हमको ये भी एक एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि कितने लोग वहाँ पे सालाना विजिट करते हैं देवरसिद्ध मंदिर में, पर फिर भी हमने एक अच्छे एस्टिमेट लगा के जो है इसको एनालाइज किया है और जो क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो मंदिरों की और अन्य इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसके हिसाब से देवरसिद्ध जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में भी सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है और इनफैक्ट पूरे स्टेट में भी सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है, जितना चढ़ावा यहाँ चढ़ता है और जितने श्रद्धालु यहाँ आते हैं उसके हिसाब से। गौरतलब है कि बाबा बालकनाथ मंदिर देवरसिद्ध करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है और चैत्र मास मेलों के दौरान देश व विदेश से यहां हर साल लाखों लोग बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। वहीं चैत्र मास मेलों के बाद भी करीब 2 महीनों तक लाखों की तादाद में श्रद्धालु देवरसिद्ध पहुंचते हैं। मेलों के दौरान मंदिर के चौपाट 24 घंटे खुले रहते हैं और विशेषकर रविवार के दिन तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं, जिसके चलते अब मेला प्रबंधन और पुलिस प्रशासन ने मेलों के सफल आयोजन के लिए कमर कस ली है। एसपी हमीरपुर अरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर न्यायिक को पुलिस विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और सुरक्षा के लिए पूरा खाका तैयार किया है। उन्होंने बताया कि डोर फ्रेम मैसलेट मेटल डिटेक्टर के अलावा मंदिर परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न हो। सिक्योरिटी प्लान इनका देवरसिद्ध मंदिर का किया है, उसमें एक बहुत अहम हिस्सा है हमारे ये कैलकुलेट करने का कि कितने लोगों का यहाँ आना जाना है और किस तरह से ट्रैफिक व्यवस्था और कोई भी असुविधा जो है यहाँ पे श्रद्धालुओं को ना हो। इसके लिए हमने जो अभी इस बार का ट्रैफिक प्लान सॉरी जो सिक्योरिटी प्लान बनाया है उसमें हमने पूरे देवरसिद्ध मंदिर के परिसर को और उसके आसपास के एरिया को 5 नए सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इससे पहले सिक्योरिटी प्लान में 4 सेक्टर हुआ करते थे, एक हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है इस बार 1 सेक्टर, और यहाँ पे हमने डिप्लॉयमेंट जो टोटल प्रस्तावित डिप्लॉयमेंट है पुलिस के कर्मचारियों की, पुलिस कर्मियों की और होमगार्ड्स की, वो 150 की है, 150 पुलिस कर्मी और 150 होमगार्ड, जो कि पिछली बार से थोड़े अधिक हैं। कम से कम 40 नए कैमरे जो हैं उस परिसर में लगा रहे हैं, जिनका हम एक तारों का बिछाना जो है जिसको हम एक वायरिंग बोलेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा रहा है, ताकि कल को अगर हम मतलब अगले साल या उससे अगले साल हम अगर और कैमरे जोड़ना चाहें तो दोबारा से हमको ये तारों का जाल बिछाना ना पड़े। बता दें कि हर साल 14 मार्च से 13 अप्रैल तक 1 माह चैत्र मास मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें हर साल बाबा बालकनाथ की नगरी में हिमाचल सहित अन्य राज्यों व विदेशों से लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं तथा हर साल करोड़ों रुपए का चढ़ावा यहां चढ़ता है। पूरा साल मंदिर बाबा जी के जयकारों से गूंजता है। लोग अपनी आस्था के अनुसार बाबा जी से मन्नत भी मांगते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद आशीर्वाद भी लेते हैं। जो 40 कैमरे हमने प्रस्तावित किए हैं उसमें अलग अलग तरह के कैमरे हैं, जैसे कि कुछ 5 मेगापिक्सल के बड़े कैमरे,
जिसमें इंफ्रारेड विजन भी है, मतलब रात को भी वो कुछ कुछ दूरी तक देख सकेंगे। पीआर जिसको ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडिंग कैमरा बोलते हैं वो भी लगा रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई गाड़ी या कोई इस तरह की रात को कोई गतिविधि होती है तो उसको हम चेक कर सकें। और हम जो इनका कंट्रोल रूम है वो भी मंदिर के परिसर में ही बनाएंगे, जहां पे सीसीटीवी सर्वेलेंस में 24 घंटे ये मंदिर में आने जाने वाले लोग रहेंगे। और ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने जो है पार्किंग जो है प्रशासन के साथ मिलकर थोड़ी सी कुछ निर्धारित की हैं, चयनित की हैं। और इसके अलावा हमने एक बैरिकेड्स और जो बैरियर्स हमारे रेगुलर हर साल लगते हैं वो भी इस बार लगाए हैं। इन पे हमारी चेकिंग थोड़ी इस बार और रिग्रस रहेगी, तब क्योंकि हमारी यही अपेक्षा है कि हमारा जो दियोटसिद्ध मंदिर का जो मेला है वो बिल्कुल सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के हो, और किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस जो शायद पिछली बार हमें आई और उससे हमने कुछ सीखा है तो उसमें वो इम्प्रूवमेंट हम इस बार ज़रूर करेंगे।